तो देख लो भाई, सिरसा भी आ गए हम लोग। सिरसा में ये परशुराम चौक है जो करते हैं यहाँ पे, और कुछ इस तरीके का शहर। सारे एक जैसे चमकते हैं वैसे, बाहर पता चलता है शहर निकल के कि क्या है क्या नहीं। ये हरियाणा का सिरसा देख लो, बाकी एक सिरसा और है वो यूपी में पड़ता है। तो भाई हम लोग आ चुके हैं सिरसा में कुमार डिको बुक के सामने, जहाँ पे हमारा कुछ किताबों का तो पता ही है आपको, काम से आए हैं जो भी है कलेक्शन वगैरह। ये है यहाँ पे कुछ लोकेशन। ये भी एक सिरसा का महावीर, भगवान महावीर चौक के करके। ये सिरसा हरियाणा का है, और कौन कौन सिरसा से मेरी वीडियो देख रहा है वो कमेंट में बताना ज़रूर दोस्तों। ये सिरसा का बस स्टैंड है, देख लो इधर बस जा रही है, ये वाला बस स्टैंड है इधर। अच्छा खासा इस ट्रैफिक और पब्लिक दिख रही है यहाँ पे दोनों चीज़ें। इधर फल फ्रूट जूस वगैरह सब चीज़ें। तो हम लोग अब फिर से फतेहाबाद में आ चुके हैं सिरसा से जाके। सिरसा के हमने सारा काम निपटा दिया, अब फतेहाबाद में आए हैं। इसमें एक आध शायद रह गया हमारा, जो रह गया है डिस्ट्रीब्यूटर, इसके बाद चलते हैं फिर कहीं और। वो सिरसा में है एक और धर्मशाला भाई, एक नंबर की है वो, बहुत ही गजब की। वहाँ पर रुके नहीं, वो भी दिखाता मैं। चलो कोई नहीं। तो ये सामने देख रहे हो आप लोग, ये अग्रोहा में हनुमान जी का मंदिर है, जो तीर्थस्थलीय मंदिर है। बहुत ही मान्यता है इसकी दोस्तों, बहुत ज़्यादा मान्यता है। और देखो यहाँ पे पहाड़ों पहाड़ का टीला सा भी है, और मैं नज़दीक से दिखाऊंगा, अभी चलते हैं नज़दीक में। तो दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हो हनुमान जी का मंदिर अग्रोहा में, ये बहुत ही मान्यता है इसकी। देखो इधर से गेट है ये, मैं दिखा दूँ आपको नज़दीक से। ये बहुत ही मान्यता तीर्थस्थल है हनुमान जी के, मेरी तस्वीर जो है हनुमान। और इसके बाद अब चलते हैं इधर यूनिवर्सिटी अग्रोहा में। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अभी हिसार सिटी में, ये पास में बस स्टैंड है हिसार सिटी का, देख सकते हो काफ़ी ट्रैफिक सा हो रखा है, बाकी कुछ दिखेगा तो दिखाएंगे। तो ये हिसार का देख लो, यहाँ पे भी श्री सनातन धर्म हनुमान मंदिर है। और ये चौपला है, बहुत तगड़ा चौपला है जिसे देख सकते हो आप, हिसार का। ये हिसार का है, मैं बता दूँ गाइस। तो भाई हम आ चुके हैं अभी कहाँ पर, हाँसी में। हाँसी भी एक शहर है, तो देख सकते हो यहाँ की स्टार्टिंग इस तरीके से, शहीद चौक से जो कि ऐसा है, चलते हैं। देख लो हाँसी के अंदर ये पता नहीं एक गेट सा है, इसमें भी रास्ता जा रखा है पार। और ये मार्केट इधर कुछ इस तरीके का है, और इधर से इस तरीके का है। भिवानी के अंदर अभी आ चुका है हमारा खाना, रात का डिनर। ये खाने में है चावल रोटी, दो सब्जी, दाल मखनी, पनीर, थोड़ी सैलेड। दिन में दिखाएंगे भिवानी कैसा है थोड़ा, रात हो गई अब